तो आज का स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। वेलकम माय न्यू ब्लॉग्स। मैं हूं महक और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त बिंदास होंगे, एकदम झकास होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है। मेरे ब्लॉग्स तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन आज का भी अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि शाम की चाय आप लोग मेरे साथ इंजॉय करें, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। कंटिन्यू। तो गाइज़, यहाँ से आती है आवाज़ बहुत सारी। जो आप लोग बोलते हैं ना ब्लॉग में, इतना शोर कहाँ से हो रहा है? बगल में घर बन रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो देखा ना आप लोगों ने कितना ज़्यादा शोर हो रहा है, बगल में ही घर बन रहा है। तो ब्लॉग बनाती हूँ ना तो इधर पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना खटखट की आवाज़ कहाँ से आती है, मेरे घर पर काम लगा हुआ है क्या? तो मेरे घर पर काम नहीं लगा हुआ है गाइज़, ये मेरे घर के जस्ट बगल में लगा हुआ है, वहाँ पर घर बन रहा है जो दिखाया मैंने आपको, तो वहाँ पे घर बन रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। अभी आ भी रहा होगा आप लोगों को, है ना? उधर शायद छत पड़ रही है ना, तो वो मटेरियल बना रहे हैं अपना। तो अभी क्या ही कर सकते हैं भाई, मैनेज करना पड़ेगा ना, किसी की बिल्डिंग बन रही है तो। और आपको पता है आज मॉर्निंग से इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, गजब की बारिश थी। और कल मेरा व्रत था, बहुत अच्छे से कम्प्लीट हो गया गाइस, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा वीडियो। और आज सुबह जब मैं उठी सो के, तो भगवान जी की पूजा करी, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, और फिर ऑफिस। अभी शाम को आ गई हूँ ऑफिस से वापस। अभी हाथ पैर धुल के कपड़े चेंज करके थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। और फिर से बादल आ रहे हैं, पता है, फिर से होगी बारिश लगता है। मैं सोच रही थी थोड़ा सा शाम को मार्केट जाऊँगी, कुछ सामान लेने जाना है, तो मुझे पता नहीं लगता कि जा भी पाऊँगी, ऐसा लग रहा। ज़ोरदार बादल आ रहे हैं फिर से, सुबह से इतना ज़ोरदार धमाकेदार बारिश हो रही थी। मैं सो के उठी ना तभी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा सुबह से। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30, यस 5:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं ऑफिस से आई हूँ गाइस, और मैं बनाऊँगी क्या, चाय। यस, तो मैं बनाऊँगी चाय, चाय पीऊँगी, देन इसके बाद थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी। तो देखती हूँ मार्केट से आज मैं क्या लेके आती हूँ, और आज देखती हूँ ना इन पौधों के लिए भी कुछ लेके आऊँगी। ये सारे के सारे देखिए गाइस, ये दिन प्रतिदिन पूरे ख़राब ही होते जा रहे हैं ये, है ना? तो इनकी दवाई तो पूछ ली थी मैंने, तो मैं लेके आऊँगी। ये तुलसी माता को भी रोग लग गया, तो गाइस तुलसी भी सूख रही हैं। तो अभी क्या है ना कि मैं लेके आऊँगी आज मार्केट, इसीलिए जाना है, बहुत सारा कुछ सामान मार्केट का लाना है, किराने का भी। तो देखती हूँ, पहले जाऊँगी मैं जहाँ पे ये गमले वगैरह मिलते हैं ना, उनके पास होगी इनकी दवाई, तो वहाँ से लेके आऊँगी और इनमें डालूँगी, तो ये बढ़िया हो जाएंगे जो सूख रहे हैं ना, तो थोड़ा अच्छा हो जाएंगे। देखती हूँ, आज जाती हूँ, बात करती हूँ उन लोगों से, और फिर ला के ना गमलों में डालूँगी, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए गाइस चाय बनाते हैं, आप भी पियो मेरे साथ, शाम की चाय इन्जॉय करो, और फिर मिलते हैं। मैं बना रही हूँ शाम की चाय, तो दिखाती हूँ। उबाल आ गया दूध में, और ये ऐड कर दी चाय की पत्ती और शुगर, तो इसको बढ़िया से पक जाने देती हूँ। तो मेरी चाय बनके हो चुकी है रेडी, अभी मेरे साथ एंजॉय कीजिए चाय। वाह, बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप भी चाय का मज़ा लीजिए। शाम की चाय मिल जाए तो फुर्ती ही आ जाती है। जो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना चाय पीने से लोग काले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, भाई मैं तो आज तक काली नहीं हुई, चाय पीने से कौन काला हो जाता है, कुछ भी बोलते लोग। मैं सुबह भी चाय पीती हूँ, शाम को भी चाय पीती हूँ, ऑफिस में दोपहर में आती है तो दोपहर में भी मैं पी लेती हूँ चाय, तो मैं तो काली नहीं हुई। आप लोगों को मैं दिख रही हूँ काली? पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ के चीज़ें लाते हैं, बोलते चाय पीने से इंसान काला हो जाता है। अगर चाय पीने से लोग काले होते तो आज को तो मैं बहुत ही काली हो गई होती, और पूरी दुनिया में काले काले लोग ही दिखते, क्योंकि पता नहीं कितने लोग तो चाय पीते हैं, और जिन लोगों का कलर थोड़ा सांवला होता है वही डरते हैं हम काले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जितना कलर ऊपर वाले ने बना के भेजा है ना स्किन का, उतना ही रहना है। कुछ खाने पीने से कलर ब्राइट या डार्क नहीं होता है, तो ये सब डरने वाली चीज़ें होती हैं गाइस, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाय पीती हूँ और बिल्कुल भी काली नहीं हूँ। तो आप लोग भी पी सकते हैं, मुझे तो भाई फुर्ती मिलती है, हम काम करने वाले लोग हैं
और जब आप ऑफिस में मेहनत करते हो ना, उस टाइम पे लगता है यार चाय मिल जाए तो थोड़ी फुर्ती आ जाए, है ना। तो और चाय पीने से अगर लोग काले होते तो मैं तो बिल्कुल काली ही हो गई होती। वेस्टर्न रीज के लोग रहते हैं ना काले काले, वैसे दिखती मैं। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। ऑफिस से आई हूँ, थकी हुई भी हूँ, और अभी शाम को मार्केट भी जाना है तो थोड़ा सा उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल कल के ब्लॉग में। और शाम को अगर जाती हूँ पौधे जो रखते हैं उनके यहाँ, तो आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। तो बाय बाय।